these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Hi guys, good morning, welcome back to my Pooja Radio Station. तो बहुत दिन के बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ, बहुत दिन में गैप हो गया था कि मैं वीडियो नहीं बना रही थी। तो आज मैं वीडियो बनाऊँगी और आप लोगों को पूरा रूटीन ब्लॉग दिखाऊँगी कि मैं आज सुबह से लेके शाम तक क्या करने वाली हूँ। तो अभी मैं जस्ट उठी हूँ, तो आज का ब्लॉग मैं इसे स्टार्ट करती हूँ। वीडियो आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा, अच्छा लगे तो एक लाइक कॉमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे 1K सब्सक्राइबर तक पहुँचा दीजिए प्लीज़ गाइस। तो अभी मैं उठूँगी और फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। बाय गाइस। हाय गाइस, तो सुबह फ्रेश होकर मैं नहा धो के जस्ट अभी आई हूँ। तो आज है बृहस्पतिवार, तो अभी से मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो अभी मैं क्या बनाने वाली हूँ, तो मैं अभी बनाने वाली हूँ दोपहर का जो है लंच बनाने वाली हूँ। तो अभी मैं चली जाती हूँ किचन और किचन में चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो पूरा रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो एंड तक आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो अभी मैं चलती हूँ किचन और आज बृहस्पतिवार है, आज से लेकर 3 बृहस्पतिवार तक मैं जो है निरामिष खाऊँगी पूरा, और चिकन मटन जो है नहीं खाऊँगी। और उसका वीडियो और शाम को मैं और एक बात आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो आप लोग वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो अभी मैं चलती हूँ किचन और खाना जो है बना लेती हूँ। चना दाल को धो के हल्दी और नमक दे के अच्छे से, देख सकते हैं, तो अच्छे से मैंने चना दाल को जो है धो लिया है, हल्दी और नमक डाल दिया है। इसको मैं बॉयल कर लूँगी, तो आज बनेगा चना का दाल। तो चना का दाल का रेसिपी और बरबटी भाजी बनाऊँगी, तो दोनों रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। अब मैं बरबटी काट लेती हूँ। जैसे कि मैं छोटे छोटे पीसेस में बरबटी जो है काट लूंगी। तो कुछ दिन से जो है 2-3 दिन से रेगुलरली जो है बारिश जो है गिर रहा है। तो गाइस, कुछ दिन से जो है रेगुलरली बारिश जो है रेगुलरली हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं, ये है जो मैंने माँ का टैटू बनाया है, देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ये टैटू देख सकते, बहुत ज़्यादा सुंदर हुआ है। अगर आप लोग लामनिंग से विजिट करते हैं तो आप लोग भी ऐसे टैटू बना सकते हैं, और मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा, मैं आप लोगों का एड्रेस जो है आपको दे दूँगी अगर आप लोग भी टैटू बनाना चाहते हैं तो। और ये टैटू जो है देख सकते हैं, ये मैंने रिसेंटली बनाया है टैटू, तभी भी ये सूखा नहीं है अच्छे से। ये रिसेंट का टैटू है देख सकते हैं, ये भी बहुत सुंदर अच्छा हुआ है। मेरा नाम है पूजा, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पूजा लिखा हुआ है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं धमाधम जो है खाना जो बना लेती हूँ। बारिश के मौसम में जो है खिचड़ी और पापड़ सब्ज़ी ये खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो खिचड़ी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सामान भी लगता है, वो कौन जाएगा, मार्केट जाना पड़ेगा, फिर लाना पड़ेगा। एक दिन आपके साथ खिचड़ी का भी रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जो है अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें ऐड कर दूंगी तेल।
सूखा मिर्च डाल दिया। इधर दाल का भी जो सीटी है वो आ चुका है, तो आज मैं प्याज व्याज नहीं डालूंगी बरबटी भाजी में, सिर्फ सूखा मिर्च डालूंगी और बरबटी जो है फ्राई करूंगी। इसका भी बहुत टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप लोग भी जिस दिन प्याज वैसे नहीं खा सकते, इस दिन ऐसे करके आप लोग बनाइए और खाइए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं डालूंगी हल्दी पाउडर, नमक, कि ताकि आलू और बरबटी जो है अच्छे से सिद्ध हो जाए, अच्छे से गल जाए, बरबटी और आलू जो है अच्छे से गल जाए। इसको मैं ढक दूंगी। और लो फ्लेम में कर दूंगी और तब तक मैं चना दाल के लिए सब कुछ रेडी कर लेती हूँ। क्या क्या चाहिए चलो मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तो देख सकते हैं बरबटी भाजी जो है हो चुका है, और मैं थोड़ा थोड़ा लाल करूँगी बरबटी भाजी को, लाल लाल करके फ्राई कर लूँगी। तो देख सकते हैं बरबटी भाजी जो है लाल लाल करके मैं फ्राई कर लूँगी, इसको पूरा गल चुका है बरबटी, देख सकते हैं। अभी मैं लाल लाल करके इसको फ्राई कर लूँगी। चना दाल जो है वो भी बॉयल हो चुका है, चना दाल भी सोमवार दे दूँगी। तो यहाँ पे मैं चना दाल के लिए क्या क्या मैंने लिया है मैं आपको दिखा दी। तो काचा मिर्च, सूखा मिर्च, यहाँ पे है बादाम, नारियल, और यहाँ पे है अदरक और दो तीन तेज पत्ता। मुझे लाल लाल करके बरबटी भाजी जो है अच्छा लगता है। देख सकते हैं बरबटी भाजी जो है हो चुका है। अब मैं बना लूंगी चना का दाल। इधर मैं चना का दाल के लिए कढ़ाई जो है बैठा दिया है, कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर, कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें दे दूंगी 2 चम्मच तेल, इसमें डालूंगी बादाम, गरम को थोड़ी देर फ्राई कर लूंगी। सूखा मिर्च, नारियल, अदरक, तेज पत्ता और काचा मिर्च। थोड़ी देर इसको अच्छे से फ्राई कर लूंगी। और मैं लास्ट में डालूंगी इसमें 5 फोरन। बन चुका है, कलर देख सकते हैं कितना अच्छा आया है। तो चना का दाल भी इधर देख सकते हैं बन चुका है। अब मैं चली जाऊंगी, भात बिठा देती हूँ। ओह, यहाँ पे मैंने बादाम और बादाम को मैंने फ्राई कर लिया है, देख सकते हैं अच्छे से। और यहाँ पे थोड़ा सा नमक और सूखा मिर्च दे दिया, इसका चटनी जो है उसको पीस लूंगी अच्छे से। और एक साइड में मैंने भात भी बिठा दिया है। Thank you.
बादाम का चटनी जो है मैंने पीस लिया है, देख सकते हैं। मैंने बादाम का चटनी जो है बना लिया है, तो खाना जो है बन चुका है। गाइस तो दोपहर का लंच जो है बन चुका है, अब मैं दो तीन शॉर्ट वीडियो बना लेती हूँ, उसके बाद जो है आपसे मिलूंगी। तो सीधा लंच करने के बाद ही आप लोगों से मिलूंगी। हाय गाइस, तो मैं बना रही थी इंस्टाग्राम के लिए रील्स। तो आपको अगर मेरा वीडियो देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, आप लोग जाइए और देखिए वीडियो को। और गाइस अभी भी मैंने लंच नहीं किया है, तो अभी मैं लंच कर लेती हूँ, उसके बाद जब मैं आपसे मिलूंगी सीधा शाम को, तो तब तक के लिए बाय गाइस। हाय गाइस, तो दोपहर का खाना होने के बाद मैं सो गई थी, अभी उठी हूँ, तो अभी मम्मी कर रही है पूजा और मैं सोई हूँ। तो गाइस आज से इस मेरे पूजा रेडरोज चैनल में रेगुलरली ब्लॉग आएगा और ईटिंग शो भी इसी चैनल पे आएगा, पर वेज आएगा, क्योंकि मैंने जो है चिकन मटन ये सब मैंने खाना छोड़ दिया है। अभी रिसेंटली मेरा मन जो है नहीं कर रहा है कि मैं ये सब खाऊं, क्यों अंदर से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये सब खाने में, तो इसलिए मैं नहीं खा रही हूँ अभी। तो पूरा वेज है, तो वेज में मैं आपको पूरा मेरा रेसिपी जो है ये शेयर करती रहूँगी वेज में, कि मैं क्या क्या खाती हूँ, क्या बनाती हूँ वेज में। तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, पहले का मेरा चिकन का जो वीडियो था वो पहले का है, पर अभी मेरा जो मैं देखती हूँ मुझे कैसा लग रहा है, पर मुझे खाने का भी मन बिल्कुल नहीं करता है, रिसेंटली से मैं खाती नहीं हूँ, अभी छोड़ दिया मैंने। तो वेज में मेरा वीडियो हमेशा आएगा, ब्लॉग आएगा, तो इसलिए मैं कुछ दिन से ब्लॉग नहीं बना रही थी, अभी हमेशा से रेगुलरली ब्लॉग आएगा। और मैं जिम भी ज्वाइन करूँगी, उसका भी मैं ब्लॉग शेयर करूँगी, डाइट रूटीन शेयर करूँगी कि मैं क्या खाती हूँ नहीं खाती हूँ, सब कुछ दिखाऊँगी आपको। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, वीडियो आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा लगे तो आपको क्या करना है, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, और मुझे 1K सब्सक्राइबर तक प्लीज़ गाइस जल्दी से जल्दी पहुँचा दीजिए, आप लोग की सपोर्ट के बिना मैं पहुँच भी नहीं पाऊँगी, प्लीज़ मुझे 1K सब्सक्राइबर तक आप लोग पहुँचा दीजिए गाइस। बाय।